हैप्पी दीपावली। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड एंड फिटनेस। मैं हूं किरण। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दीपावली के 5 दिनों में ना करें ये 7 काम। यदि वर्जित किए गए काम दीपावली पर किए जाते हैं तो कई उपाय करने के बाद भी लक्ष्मी कृपा प्राप्त नहीं होती। वीडियो शुरू करने से पहले करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब। सब्सक्राइब के साथ एक घंटी है जिसे प्रेस करें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, दीपावली के दिनों में देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कई प्रकार के उपाय किए जाते हैं, पूजा की जाती है, लेकिन इन उपायों के साथ ही कुछ सावधानियां भी रखनी जरूरी हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि दीपावली के दिनों में हमें कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए। यदि वर्जित किए गए काम दीपावली पर किए जाते हैं तो कई उपाय करने के बाद भी लक्ष्मी कृपा प्राप्त नहीं होती। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी दीपावली में कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए। नंबर 1, सुबह देर तक सोना नहीं चाहिए। वैसे तो हर रोज सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए, लेकिन काफी लोग ऐसे हैं जो सुबह देर से उठते हैं। शास्त्रों के अनुसार दीपावली के दिनों में ब्रह्मा मुहूर्त में ही उठ जाना चाहिए। जो लोग इन दिनों में सूर्योदय के बाद तक सोते रहते हैं उन्हें महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं होती। नंबर 2, माता पिता और बुजुर्गों का अपमान ना करें। दीपावली पर इस बात का विशेष ध्यान रखें कि किसी भी परिस्थिति में कोई अधार्मिक कार्य ना करें। माता पिता एवं बुजुर्गों का सम्मान करें। जो लोग माता पिता का अनादर करते हैं उनके यहाँ देवी देवताओं की कृपा नहीं होती है और दरिद्रता बनी रहती है। किसी को धोखा ना दें, झूठ ना बोलें, सभी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। नंबर 3, घर में गंदगी ना रखें। दीपावली पर घर में गंदगी नहीं होनी चाहिए। घर का कोना कोना एकदम साफ एवं स्वस्थ होना चाहिए। किसी भी प्रकार की बदबू घर में या घर के आसपास नहीं होनी चाहिए। सफाई के साथ ही घर को महकाने के लिए सुगंधित पदार्थों का उपयोग किया जाता है। नंबर 4, क्रोध ना करें। दीपावली पर क्रोध नहीं करना चाहिए और जोर से चिल्लाना भी अशुभ माना जाता है। जो लोग इन दिनों क्रोध करते हैं या जोर से चिल्लाते हैं उन्हें लक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं होती। घर में शांत, सुख एवं पवित्र वातावरण बनाए रखना चाहिए। लक्ष्मी ऐसे घरों में निवास करती है जहाँ शांति रहती है। नंबर 5, शाम के समय ना सोएं। कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर दिन में या शाम के समय सोना नहीं चाहिए। यदि कोई व्यक्ति बीमार है, वृद्ध है या कोई स्त्री गर्भवती है तो वह दिन में या शाम को सो सकती है, लेकिन स्वस्थ व्यक्ति को दिन में या शाम को सोना नहीं चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो लोग ऐसे समय में सोते हैं वे निर्धन बने रहते हैं। नंबर 6, वाद विवाद ना करें। इन दिनों में इस बात का भी ध्यान रखें कि घर में किसी भी प्रकार का कलह या झगड़ा नहीं होना चाहिए। घर परिवार के सभी सदस्य प्रेम से रहें और खुशी का माहौल बनाकर रहें। जिन घरों में झगड़ा या कलह होता है वहाँ देवी की कृपा नहीं होती। घर के साथ ही बाहर भी इस बात का ध्यान रखें कि किसी के साथ भी वाद विवाद या झगड़ा ना करें। नंबर 7, नशा ना करें। शास्त्रों के अनुसार इन दिनों में किसी भी प्रकार का नशा करना वर्जित किया गया है। जो लोग दीपावली के दिन नशा करते हैं वे हमेशा दरिद्र रहते हैं। नशे की हालत में घर की शांति भंग हो सकती है और सभी सदस्यों को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। इससे बचना चाहिए, अन्यथा वाद विवाद हो सकते हैं और लक्ष्मी पूजा भी ठीक से नहीं हो पाती। फ्रेंड्स, आज मैंने आपको बताया है दीपावली के दिनों में ना करें ये 7 काम। एक इम्पोर्टेंट बात, अगर आप अपनी इंग्लिश की वर्ड पावर को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को विजिट करना ना भूलें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आज की इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना मत भूलना, और मेरी वीडियो को करना है ढेर सारा लाइक और शेयर, और मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय।